मैं देख रही हूँ, शरारत नहीं करना। कौन आया? जब भी बेल बजती है, दरवाजा खुलता है, रूहान को ऐसे ही देखना होता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ताली दो, जल्दी। क्या खेल रहे हो ये? हाँ, क्या दिखा रहे हो आप मुझे? ये खेल रहे हो? ओ, लग जाएगी। शो ऑफ, शो ऑफ, हाँ? प्रॉपर शो ऑफ करता है। हाँ। देखो, देखो। लगेगी, आपकी तो लगेगी। हो गया शो ऑफ, बस काफी है। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका ककर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। और आज मैं ब्लॉग फिर से बना रही हूँ। देखो, मैं पहले के कंपैरिजन में थोड़ा पंक्चुअल होने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच, पिछला जो ब्लॉग है वो ट्रेंड कर रहा था एंड आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आए, यस मुझे गिव अवे करना चाहिए। तो मैंने शोएब के ब्लॉग में भी ये बात बोली थी कि ओके, डेफिनेटली मैं गिव अवे करूँगी। और लेकिन वो सिर्फ एक ईयरिंग का पीस देने का मन नहीं कर रहा है, मन मान रही ना, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो इसलिए कुछ यू नो, उसके साथ कुछ एक अच्छा सा हैम्पर बना के फिर हम गिव अवे करेंगे, तो वो हम डेफिनेटली करेंगे। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि मैं अरेबियन पुडिंग बनाने वाली हूँ, लेकिन फिर वो फ़ोन का पूरा सब कुछ हो गया तो मैंने अरेबियन पुडिंग जो है वो नहीं बनाई। तो आज मैं बनाऊंगी अरेबियन पुडिंग और मैं बनाऊंगी वो वाइट बिरयानी। तो आई थिंक ये दो व्लॉग में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वाइट बिरयानी की एक मैं रेसिपी अलग से डालूंगी। एंड यस, दैट्स अबाउट इट। चलिए पहले बिरयानी बना लेते हैं। यहाँ रख दिया है गरम होने पानी, इसमें डाल दिया मैंने शाही जीरा और लौंग और नमक। और ये देखिए, यहाँ पे चावल जो है अच्छी तरीके से धो के आधे घंटे से भीगने में रखे हुए हैं, और एक बार पानी जो है वो खौलने लग जाए उसके बाद हमें इस तरीके से चावलों को इसमें पका लेना है। खौलते हुए पानी में चावल डालने के बाद आपको 5 से 7 मिनट ही उन्हें कुक करना है, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। और उसके बाद इस तरीके से कोई भी ट्रे या परात या कुछ भी हो उसमें खुला खुला आपको इन्हें फैला लेना है। क्या मस्ती हो रही है? क्या मस्ती हो रही है? अली अली अली, अरे हंसते हंसते रह गई। सो ये देखिए, हमारा राइस जो है वो अच्छे तरीके से बॉईल होके रेडी है, और हमने फैला दिया है इस तरीके से ताकि वो एक साथ ऐसे घप ना हो जाए, एकदम खुले खुले चावल जो हैं। देखिए, वाह। तो चावल हमारे हो गए हैं बॉईल और हमने उन्हें अच्छे से फैला दिया है, साइड में रख दिया है ताकि वो खुल जाए अच्छे से। और द आइडिया इज, जैसे मैंने अपने पिछले बिरयानी के वक्त भी बोला था कि चावल को घप नहीं होना चाहिए। तो अभी हम जो चिकन है, ये मैंने 2.5 किलो चिकन लिया है विथ बोन्स, इसे हम मैरिनेट कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये 2.5 किलो चिकन है, 2.5 किलो चिकन के लिए मैं इतना सारा पेस्ट ले रही हूँ। तो दिस मस्ट बी अराउंड से 3/4 कप अगर आप मेजर करने जाएंगे, या कम से कम 5 से 6 बड़े चम्मच। ये देखिए, मीनवाइल बाहर क्या हो रहा है, रूहान दादू के साथ अपनी ऐसे वॉक करता है। पहले देव भैया की गोद में चढ़ जाया करता था, अभी कमल भैया के साथ ऐसे वॉक करता है। ये देखिए। चलिए टू किचन। अब इसमें डालेंगे हम दही। दही ये पूरा 1 किलो का पैकेट है, सो ये 2.5 किलो है जैसे कि मैंने बताया। तो इसमें मैं मैरिनेशन के लिए डालूंगी 1 और आधा कप, ये 1/2 कप। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। हमें डालना है इसमें गरम मसाला, ये भी मैं इसमें डालूंगी 2.5 चम्मच के आसपास। फिर हम डालेंगे इसमें नमक, ऑब्वियसली आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मैं इसमें 2.5 चम्मच जो है नमक डालूंगी। फिर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, ये भी मैंने 2.5 चम्मच डाला है, लेकिन ये जो चम्मच है ये छोटा वाला है, तो अगर आप बड़ा चम्मच डालेंगे तो 1.5 चम्मच काफी है। और फिर मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर,
ये भी ये छोटा चम्मच है तो ये मैं अच्छे से भर भर के ले रही हूँ। और ये जावित्री के मैंने इतने टुकड़े लिए हैं, इनको हम इसमें हैंड क्रश करके डाल देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 पूरे नींबू का रस। और ये मैंने इतना सा जायफल का टुकड़ा लिया है, जावित्री तो हमने क्रश करके इसमें डाल दी, ये जायफल का टुकड़ा है। पहले इसको पाउडर करते हैं फिर देखेंगे कितना डालना है, क्योंकि इसकी जो महक और टेस्ट है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो जावित्री और जायफल यूज करते हुए ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा हो जाए तो आपकी जो पूरी डिश है उसमें सिर्फ इसका स्वाद आता है और वो इतना अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियसली इसकी प्रोमिनेंस होनी चाहिए लेकिन इतना ओवरपावरिंग भी ना हो कि और कोई स्वाद खिले ही ना। सो हमने लगभग हाफ जायफल क्रश कर लिया था, उसमें से मैं इतना इतना करके पहले डाल रही हूँ, ये देखिए मतलब 1/4 टीस्पून है। इसको मिक्स करके देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि और डालना है या नहीं डालना है। हाथ से मिक्स करने में है ना वो इन सब से नहीं आता। हाँ ये रबर स्पून जैसे मैं बोलती हूँ कि लास्ट में निका पोर आउट करने के लिए बेस्ट चीज़ है, लेकिन मैरिनेशन का मिक्स बढ़िया तरीके से हाथों से ही हो पाता है। एकदम सारे मसाले परफेक्ट प्रोपोर्शन में हैं, क्योंकि जो खुशबू है वो बिल्कुल सही है। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि खुशबू से आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है। आई थिंक अब इसमें थोड़ा सा जायफल जो है वो और डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ा बस। और अब हम इसे छोड़ देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। मैरिनेशन आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर करना है। अगर आप पहले से प्लान करके आपने रखा है तो आप ओवरनाइट मैरिनेशन रख सकते हैं। ऑब्वियसली द मोर यू मैरिनेट द बेस्ट इट इज। तो मैं अभी इसे आधे घंटे छोड़ दूंगी, उसके बाद मिलते हैं। लुक देख रहे हैं आप कैसे आज खूब मस्ती मारी जा रही है पापा के साथ। और अब इसका हल्का हल्का कुकू शुरू हुआ है क्योंकि इसके सोने का टाइम है। देखो आधा घंटा हो गया है, लेट्स बिगिन विद द चिकन फॉर बिरयानी। ये ले लिया है मैंने ऑयल, तो इसे हम होने देंगे अच्छे से गरम। और इसमें फिर हम डाल देंगे प्याज जो हमें सौते करनी है बहुत कम। इस बिरयानी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको पूरी प्याज फ्राई नहीं करनी पड़ती, बस आप इतनी सी प्याज फ्राई करेंगे क्योंकि आपको ऊपर से जो है लेयरिंग के वक्त डालनी है। और सबसे अभी मैं आपको बता दी कि हमें बिरयानी में डालने के लिए जो मसाला बनाना है वो क्या है। देखिए तो ये मैंने जो लिया है ये 2.5 किलो के लिए लिया है। ये है सौंफ जो है 2 बड़े चम्मच, ये है 2 बड़ी इलायची, 2 आप 3 भी ले सकते हैं। तो अगर आप 1 किलो चिकन का बना रहे हैं तो इसी हिसाब से आप प्रपोर्शन जो है कम कर लीजिएगा, वरना मसाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये ली है मैंने लौंग जो कि है 1.5 छोटा चम्मच, ये ली है मैंने इलायची जो है करीबन छोटी इलायची जो करीब 10 पीस है, ये एक बड़ा दालचीनी का लंबा टुकड़ा था जिसको मैंने इस तरीके से तोड़ के 2 हिस्से में कर लिया है, ये है 1 छोटा चम्मच 1.5 छोटा चम्मच यानी कि टीस्पून काली मिर्च, और ये इस तरीके से 3 छोटे छोटे जो है मैंने तेज पत्ता लिए हैं। और हम तेल में डालेंगे साबुत जीरा। अब इन सबको हम हल्का सा भून के पीस लेंगे। तो आपको ज्यादा बिल्कुल नहीं भूनना है, बस हल्का सा सौते करना है जब तक आपको खुशबू आए, उसके बाद हम इसे तुरंत पीस के जो है बिरयानी में डाल सकते हैं। और ये जो है हमने इस तरीके से दरदरा सा इसे पीस लिया है। चलिए तो मसाला जो है वो पीस के रेडी है, हमारा ऑयल भी हो गया अच्छे से गरम। अब हम इसमें डाल देते हैं हमारा जीरा और अनियन और ग्रीन चिलीज। तो एक बार हमारा जीरा जो है स्प्लैटर हो जाए उसके बाद हम ये स्लाइस्ड अनियन उसमें डाल देंगे और उसे सौते कर लेंगे। मैंने 12 मीडियम साइज़ के अनियन स्लाइस करवाए हैं, उसमें से मैं इसमें सारे डाल दूंगी, सिर्फ 1/4 जो है वो हम रख लेंगे फ्राई करेंगे और वो हम बाद में जब दम दे रहे होंगे तब हमारे काम आएगा। और अब मैं डाल दूंगी इसमें हरी मिर्च भी मैंने अंदाजे से डाली है, मेरे को लगता है 10-12 के आसपास तो होंगी, उससे ज़्यादा ही दिख रही हैं। और ये मैंने लिए हैं 3-4 आलू और ये मैंने 2 हाफ में काट के जो है डाल दिए हैं। ये प्याज जो है ट्रांसल्यूसेंट हो गए हैं और इतने पिंकिश पिंकिश हो गए हैं, बस
इससे ज्यादा हमें प्याज को बिल्कुल भी नहीं भूनना है, हमें उन्हें तलने का वेट नहीं करना है। और अभी हम इसमें डालेंगे अपना मैरिनेटेड चिकन। सो ये हमारा चिकन बहुत ही बढ़िया तरीके से मैरिनेट हो गया है। अब ये हम डाल देंगे इसमें जैसा मैंने बोला था कि रबर स्पून इसमें बड़ी काम की चीज़ है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, तो एक रबर स्पून घर में ज़रूर रखें। तो पूरा चिकन इसमें अच्छे से डालने के बाद इसको पूरे को आप मिक्स कर लें बढ़िया तरीके से, कि सारे प्याज जो हैं और जो ऑयल है वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। और उसके बाद इसको कवर करके 5 से 7 मिनट जो है कुक कर लीजिए। फिर जब आप खोलेंगे तो इस तरीके से चिकन अपना पानी छोड़ चुका होगा, और उस टाइम पे जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा है वो हम पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे। सो जो प्रपोर्शन है गरम मसाले के वो मैंने 2.5 kg के लिए आपको बताए हैं, वो आप पूरा ग्राइंड करेंगे और इसमें आप पूरा डाल देंगे। एंड नाउ वी विल गिव इट अ नाइस स्टर। और फिर मैं इसे खुला रख के ही पकाती हूँ, मैं सिर्फ 5 मिनट ढकती हूँ और उसके बाद इसे खुला रख के ही कुक करती हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा मिक्सचर है ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। बस थोड़ा सा ग्रेवी को थोड़ा सा और थिकन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। चिकन काफ़ी कुक हो गया है। क्यों मैं 5 मिनट ढक के ही निकाल लेती हूँ, आई जस्ट वेट फॉर चिकन टू लीव द वाटर। उसके बाद अगर आप ज़्यादा देर तक ढक के रखो ना तो चिकन बहुत टेंडर हो जाता है और वो बोन्स छोड़ देता है। अभी भी हालांकि मेरे जल्दी निकालने के बाद भी ये देखिए ये पीस ने जैसे बोन छोड़ दी है। तो ये फिर जब आप बिरयानी जब मिक्स करो तो सिर्फ बोन हाथ में आती है तो बहुत ख़राब लगता है। इसका अगर कोई और आपके पास बेटर सोल्यूशन है तो मुझे बताइएगा, मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी ढक्कन हटा दूं ताकि वो सेपरेट ना हो। एंड ऑब्वियसली बिरयानी बन रही है और हमारे घर में जर्दा ना बने तो वो इनकम्प्लीट रहता है। तो इस बार मैं जर्दा यूजुअल अपने स्टाइल से नहीं बना रही, थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। इस बार मैं चाशनी बना के जो है जर्दा बना रही हूँ, मैं येलो कलर में ही बना रही हूँ बिकॉज शोएब को मेरे हाथ का जर्दा कहते हैं, वो एक फील बैठा हुआ है कि दिप्पी जो बनाती है वो येलो कलर का होता है, इसलिए मैं येलो कलर में ही बना रही हूँ। तो मैंने 4 कप पानी लिया है, उसमें लगभग 2.5-3 कप जो है मैंने चीनी डाली है, उसको मैंने घोल लिया। उसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट्स मैं चाहती थी वो डाल दिए, थोड़ा सा घी डाल दिया, इलायची पाउडर डाल दिया और ये देखिए लौंग डाल दिया। और अब ये जो पानी है ये अच्छे से खौलने लगा है, मैंने इसको ढक के रख दिया था जब तक वो प्रॉपर बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए। और यहाँ मैंने 2 कप बासमती चावल जो है वो अच्छे से धो लिए हैं, अभी मैं इसमें डाल दूंगी। और इसे ढक के हम अच्छे से कुक कर लेंगे। मैंने हमेशा अलग तरीके से जर्दा बनाया है कि पहले चावल पूरे बॉइल करके उसके बाद उसको घी में और चीनी में जो है सौते किया है और स्टीम कुक किया है। ये तरीका मैं पहली बार कर रही हूँ तो देखते हैं फ्लॉप होता है या पास होता है, देखते हैं। ओके, टाइम टू पुट दम फॉर आवर व्हाइट चिकन बिरयानी, जो दूसरे टाइप की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी पहली वाली जो बिरयानी थी वो तो आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है, एंड थैंक यू फॉर दैट वंस अगेन। तो लेट्स सी, ये आप लोग ट्राई करते हैं, आपको ये कैसी लगती है। घर पे तो ये बहुत पसंद है। एक्चुअली क्या होता है ना, एक ही तरीके की चीज़ खा के सब लोग थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो इसलिए उस दिन मैंने पहले भी आपको ये बताया, इसलिए उस दिन मैंने जो है सोचा कि आज कोई डिफरेंट बिरयानी ट्राई की जाए। जो रेसिपी मैंने देखी थी उसमें मैंने काफ़ी कुछ ट्वीक किया है। सो ये सबसे पहले, जैसे कि मैं अपनी वाली जो फर्स्ट वाली बिरयानी है उसमें डायरेक्ट नीचे चिकन का लेयर और फिर सीधा चावल डालती थी, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम 3 लेयर्स क्रिएट करेंगे, पहले चावल फिर चिकन फिर चावल एंड देन फिर ऊपर से जो भी हमने लाइक सीजनिंग वगैरह के लिए डालना है। सो ये सबसे पहले हम चावल का एक लेयर डालते हैं। ये हो गया चावल का एक पतला सा लेयर, ज़्यादा थिक नहीं है। अब मैं इसके ऊपर सारा चिकन बिछा दूंगी। स्मेल्स यम।
एंड अब ऊपर जो है हम बचे हुए सारे चावल डाल देते हैं और लेयर जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। तो 2.5 किलो की चिकन के लिए हमने लिया है 2 किलो चावल, दैट इज द करेक्ट प्रोपोर्शन, ताकि जो मसाला है वो भी बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत कम ना हो, एकदम परफेक्ट बैठे इसलिए, और ऐसा ना हो कि सारी पीसेस खत्म हो जाए और सिर्फ चावल चावल खाने के। हल्का सा फूड कलर डालूंगी मैं इसमें, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालती, इसलिए एक ही जगह पे थोड़ा सा डाल देती हूँ। That's it. और बाकी इसमें बहुत प्यारा सा नेचुरल सा एक ब्राउन सा कलर आता है बिकॉज ऑफ द मसाला जो हमने लिया है। हम डाल देंगे फ्राइड अनियन, उसके साथ मिक्स किया हुआ है हरा धनिया और एकदम थोड़ा सा पुदीना। तो आप जितना भी हरा धनिया ले रहे हैं उसका एक तिहाई हिस्सा जो है आप पुदीना लीजिएगा। Okay. और मैं आज भी एक चीज भूल गई जो कि है हरी मिर्च। तब तक हम डाल देते हैं इसमें नींबू। आप चाहे तो स्लिट करके भी डाल सकते हैं, बट ये मेरी आदत है कि मैं इस तरीके से इसको इसमें अंदर ऐसे फिक्स कर देती हूँ। That's it. अभी हम इसको ऊपर पूरा आटा लगा के अच्छे से पैक कर देंगे और दम देंगे एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। आप जितना ज्यादा दम दोगे, जितना इसको कवर करके रखोगे, उतने ही इसके फ्लेवर जो है वो मिक्स होंगे। तब तक बना लेते हैं बढ़िया सा रायता और देखते हैं कि जर्दे की क्या हालत है। और अब मैं बना रही हूँ रायता। ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें इसलिए बता रही हूँ ताकि क्विकली आपको एक ही वीडियो में सारे रेफरेंस मिल जाए। तो यहाँ पे जो दही है उसको मैं इस तरीके से विस्क कर रही हूँ ताकि जो भी ये हमारे बबल्स हैं वो सब डिजोल्व हो जाए और दही एकदम स्मूथ हो जाए। मुझे बहुत पतला रायता नहीं अच्छा लगता बिरयानी के साथ, ये अपनी अपनी चॉइस है। बहुत लोग बहुत पतला रायता करते हैं, दैट इज वन ऑफ द रीजन वाई मैं इसको मिक्सर में नहीं कर रही हूँ, कि मिक्सर में जब आप करते हो तो आपका दही पतला हो ही जाता है, इसीलिए मैं मिक्सर में नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ। यहाँ पे निकू ने मेरे लिए क्यूकम्बर और प्याज कट कर दिया है और ये मैंने एक छोटा सा पेस्ट बना लिया है, इसका मैं शॉर्ट लेना भूल गई सॉरी। इसमें एक मुट्ठी भर मैंने लिया हरा धनिया, इतना सा मैंने लिया पुदीना, वही अगेन एक तिहाई पोर्शन होता है पुदीना, और करीबन 5 से 6 छोटे छोटे टुकड़े लहसुन के, वो हमने सब कूट लिया है। आप चाहे तो आप थोड़ा सा दही निकाल के इसको आप छोटे वाले जार में थोड़ा पानी डाल के चर्न कर लीजिए और फिर इसमें डालिए, दैट विल मेक योर वर्क इजियर। अभी फटाफट इस सबको एक साथ हम मिक्स कर देते हैं। तो ये एक थोड़ा लार्ज साइज का प्याज था जो छोटा सा चॉप हुआ है और एक ककड़ी, इसे पूरे को हम जो है मिक्स कर लेते हैं और अब हम डालेंगे मसाले। मैं रायता में हमेशा काला नमक डालना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो ये मैं डाल रही हूँ काला नमक, लेकिन ये ज़्यादा नमकीन होता है तो संभल के डालिएगा, टेस्ट कर करके डालिएगा। और फिर ये मैंने डाला जीरा पाउडर और अब डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा रायता जो है वो रेडी है। इसको हम रख लेंगे फ्रिज में और फिर बिरयानी के साथ सर्व करेंगे। बिरयानी कैसी थी, जर्दा से ही बना या नहीं, ये सब आप देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। सो टू बी कंटिन्यूड।